हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर जुलाना क्षेत्र के गांव किल जफरगढ़ के किसानों का सब्र का बांध आज अचानक टूट गया और वो निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी पर पहुंच गए। गांव से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है, तो ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम रुकवाने के लिए पहुंचे। किसानों ने कहा कि सड़क के दोनों ओर गांव के खेत आते हैं, ऐसे में यहां से रंग की नाली से पानी दिया जाता है। पानी निकासी के लिए तो विभाग ने पाइप दबा दिए, लेकिन किसान किस तरह खेत से सड़क के दूसरी तरफ, इसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। किसान कह रहे हैं कि पानी की देख रेख के लिए उन्हें सड़क के दोनों तरफ आना जाना पड़ता है, ऐसे में उन्हें रास्ता दिया जाए। किसान अपनी मांग को लेकर उपायुक्त और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों तक से मिल चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जनाब, ये समस्या हमारी, हमारा जो नहरी पानी का खाल है उसमें कहीं ने पाइप डाल दिए, जब कहीं ने पुड़ी, किसान को जाने के लिए पुड़िया चाहिए थी ऊंची, जिसमें आदमी आराम से पानी की वजह, हमारे दो तरफ खेत रह गए इस हाईवे से, 500-600 एकड़ इधर रहेगी, 500-600 एकड़ इधर रहेगी, तो इधर जो का जो एरिया है पश्चिम की तरफ का, इसमें किसान को अपने पानी की रखवाली के लिए जाने में सबसे भारी दिक्कत है, पुड़िया से जा नहीं सकता। और हम इस महकमे के अधिकारियों से, अपने जिला प्रशासन जींद से भी हमें मिल लिए, 3 बार डीसी साहब से मिल लिए, तहसीलदार साहब मिल लिए, लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो लाल रंग भरा हुआ खाड़ है जहाँ के इन्होंने देना चाहिए किसान के लिए, वो नहीं दे रहे। हम पूरी ब्याणी भी जो इनका हेड ऑफिस है चाहिएगा वहाँ भी जाए हैं, और डीसी साहब के भी 3 बार मिल लिए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। और ये हमको 400-500 एकड़ हमारी उधर पानी सिंचाई के लिए जमीन बची हुई है, पानी उस साइड से आता हमने जाना, उस साइड पड़ता पानी के साथ, पानी के साथ जाने के लिए कोई रास्ता हमारा नहीं बच रहा। ये हमारी पुड़ी नहीं बना रहे, हमारे आगे खेत इधर रह गए, आगे इधर रह गए, नीचे का आने जाने का रास्ता नहीं, इतना ऊंचा रोड है, क्योंकि ऊपर चढ़ का पानी देंगे, हमारे देवर जेठ पानी देने में बहुत दिक्कत है, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने आदमी के साथ रहेंगे और या पुड़ी बनवा कर रहेंगे। हम सड़कों भाई हम रास्ता नहीं मिल रहा पानी का, और दोपहरी में पड़े हाँ कई दिन के हरीवाड़े रहेंगे, चाहे हमने बाढ़ ना नहीं लिया ना जो डांगरा नहीं बन रहे, खेत में पानी है पी लेंगे।